हेलो स्टूडेंट, आज डिस्कशन करेंगे हाउ टू फाइंड पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट। देन उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। तो देखो, डिटरमिनेशन ऑफ पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट। पहले पीरियड कैसे डिटरमाइन करते हैं? देखो, पीरियड डिटरमाइन करने के लिए क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गिवन एटम। ठीक है, मान लो आपको दिया गया है जेड इक्वल्स टू, जेड मीन्स एटॉमिक नंबर, आपको ये पूछा गया है भाई जेड इक्वल्स टू 11 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर का वैल्यू 11 है, तो उसका थोड़ा पीरियड के बारे में बताओ हमें, ये कौन सा पीरियड में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, स्टेप वन, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गिवन एटॉमिक नंबर। ठीक है, हियर इट इज गिवन एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू 11, सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s1, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पीरियड। फॉर पीरियड, एज आई सेड, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गिवन एटॉमिक नंबर। सो हियर मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 3 है। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, n है, ये वैल्यू n है, तो मैक्सिमम कितना है, यहां 3 है। सो दिस एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 11 बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, एंड एटॉमिक नंबर 11 किसका है, सोडियम, एंड हमें पता है सोडियम थर्ड पीरियड में ही प्रेजेंट रहता है। ठीक है, समझ में आएगा। तो हाउ टू डिटरमाइन द पीरियड, समझ में आएगा भाई, जो एलिमेंट दिया है, जो एटॉमिक एलिमेंट तो दिया होगा तो आपको पता चल जाएगा ना, इजीली पता चल जाएगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर गिवन रहेगा, तो एटॉमिक नंबर से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करना पहले। ठीक है, देन उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये फाइंड आउट करना है मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना है, जितना है वही है पीरियड नंबर। नेक्स्ट ग्रुप डिटरमाइन करने से पहले ब्लॉक डिटरमाइन करने करते हैं। ठीक है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक का ठीक है, जो ग्रुप है फाइंड आउट करने का फॉर्मूला डिफरेंट है। ये जैसे पीरियड में, कोई भी पीरियड में, किसी भी पीरियड में प्रेजेंट रहो, सबके लिए फॉर्मूला सेम है, लेकिन ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए ब्लॉक वाइज हमें डिफरेंट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं ब्लॉक फाइंड आउट करने के लिए कैसा है। कैन बी डिसाइडेड बाय लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्रेंस इन द सबसेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्या सर, मान लो कोई एटॉमिक नंबर वही 11 को ही पकड़ते हैं, जेड इक्वल्स टू 11 दिया है, तो फर्स्ट काम आपका क्या है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ओके। देन क्या करना है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जिस सबसेल में जा रहा है, मान लो s में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है तो दिस एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, अगर पी में जा रहा है तो पी ब्लॉक, अगर डी में जा रहा है तो डी ब्लॉक, अगर एफ में जा रहा है तो एफ ब्लॉक। ठीक है, सो हियर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस ऑप्शन, सो एटॉमिक नंबर जेड, सॉरी एटॉमिक नंबर 11 बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, एंड हमें पता है सोडियम कहां है, एस ब्लॉक में। तो दो बात आपको समझ में आ गया, पहला ब्लॉक पीरियड कैसे फाइंड आउट करना है, दूसरा ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करना है। तो हमारा सोडियम एस ब्लॉक थर्ड पीरियड में प्रेजेंट है और फाइंड आउट करना है ग्रुप। ठीक है, देखो ग्रुप के लिए अगर एलिमेंट एस ब्लॉक में है तो उसका ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, ग्रुप नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएस। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएस, अगर एनएस मतलब लास्ट सेल, लास्ट एनएस, ठीक है, मतलब ये वाला 3s। ठीक है, जो लास्ट एन का वैल्यू रहेगा उसके साथ जो एस है। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएस, अगर 1 रहेगा एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकता है। ठीक है, अगर 1 रहे तो फर्स्ट ग्रुप, अगर 2 है तो सेकंड ग्रुप, समझ में आ गया, अगर 1 है तो फर्स्ट ग्रुप, अगर 2 है तो सेकंड ग्रुप, ये है एस ब्लॉक। ठीक है, अगर तो यहां पर देखते तो सोडियम क्या है 11, यहां पे एस 1 है तो फर्स्ट ग्रुप, और हमें पता है सोडियम, सो सोडियम प्रेजेंट इन एस ब्लॉक थर्ड पीरियड एंड फर्स्ट ग्रुप, एंड हमें पता है सोडियम फर्स्ट ग्रुप में रहता है अल्कली मेटल हेलिना कलर ओबी के साथ फेरर। ठीक है, अगर ट्रिक नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हो, अल्कली मेटल के लिए हेलिना, फर्स्ट ग्रुप के लिए हेलिना कलर ओबी के साथ फेरर, सेकंड ग्रुप के लिए बेटा मागे का स्कूटर बाप राजी। ठीक है, पी ब्लॉक का
बुरोन फैमिली के लिए बड़ा आलू गया इंडिया से थाईलैंड, ठीक है। कार्बन फैमिली गए, कार्बन फैमिली के लिए काशी गए संत प्रभु, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली के लिए नाचो प्यारे आज सब भी, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली के लिए उससे टेरिस पे मिले, ठीक है। एंड फ्लोरीन फैमिली हमारा हैलोजन के लिए फिर चला बाहर आई आंटी, ठीक है। एंड लास्ट वन हमारा नोबेल गैस के लिए हिना नीना करीना और जेनत रंगीना, ठीक है। यह है एस एंड पी ब्लॉक को याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक। नेक्स्ट पी ब्लॉक के लिए क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट एनएस एंड एनपी सब सेल प्लस 10, और इसको सिंपली बोल सकते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए आपको तो एलिमेंट नहीं, आपको तो ऐसा एलिमेंट दिया नहीं होगा, ठीक है। आपको एटॉमिक नंबर दिया होगा, उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आउटर मोस्ट एनएस एंड एनपी इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना, जितना होगा मतलब आउटर मोस्ट माने एंड में जो एनएस एनपी आ रहा है उसका टोटल इलेक्ट्रॉन ऐड करना प्लस उसमें 10 ऐड कर देना, जितना आएगा उतना होगा उसका ग्रुप, ठीक है। अगर पी ब्लॉक में बिलोंग्स कर रहा है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं हमारा प्यारा सा कार्बन, ठीक है। सर कार्बन कब से प्यारा होने लगा भाई, वही कार्बन को लेकर तो जिंदगी है ना, सारे ऑर्गेनिक कार्बन 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 से ही चला है, ठीक है। कार्बन से शुरू कार्बन से खत्म, ठीक है। देयर आर मिलियंस ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या मिलियंस ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। और कार्बन हर जगह मौजूद है भाई, हमारा बॉडी में प्रेजेंट है। हम कोई फ्लावर देख रहे उसका स्ट्रक्चर कार्बन है, कार्बन को लेके उसका फ्रेग्रेंस के लिए कार्बन रिस्पॉन्सिबल है, उसका कलर के लिए कार्बन रिस्पॉन्सिबल है, तो हर जगह कार्बन 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 ही है, ठीक है। हमें यह पता है जीने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, ठीक है। हमें यह पता है जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन कार्बन भी चाहिए। ऑक्सीजन तो जिंदा रहने के लिए चाहिए, ठीक है, वो पहला जरूरत है भाई, जिंदा नहीं रहेगा तो ये सब लेके क्या करेंगे। लेकिन जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कार्बन का भी होना जरूरी है। कार्बन नहीं होगा तो हम देखो मेडिसिन वगैरह हम वो भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन लेके हम जिंदा रह जाएंगे, लेकिन मान लो आपको कोई डिजीज हो गया, ठीक है, तो मेडिसिन अगर नहीं ले पाओगे तो जिंदा कैसे रहोगे, फिर घूम फिर के वही बात हो गया ना, कार्बन के बिना जिंदगी अधूरी है, ठीक है। चलिए हम पहला से कार्बन को लेते हैं, उसका 6 है 1s2 2s2 2p2, कौन सा पीरियड में मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 सेकंड पीरियड, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर टू पी सबसेल पी ब्लॉक, तो सेकंड पीरियड पी ब्लॉक। एंड हमें अब डिसाइड करना है व्हिच ग्रुप, ठीक है, पी ब्लॉक का कौन सा ग्रुप में प्रेजेंट, 13 14 15 16 17 18 है, ठीक है, उसमें से कौन सा ग्रुप में ये प्रेजेंट है उसको डिटरमाइन करना है। तो उसके लिए लगता है क्या है भाई, एनएस एंड एनपी इलेक्ट्रॉन प्लस 10, एनएस में 2 इलेक्ट्रॉन एनपी में 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 14th ग्रुप, और हमें पता है कार्बन हमारा 14th ग्रुप एलिमेंट है, समझ में आ गया। चलो एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, अब चलते डी ब्लॉक। देखो डी ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन माइनस वन डी सबसेल एंड एनएस एंड इन एनएस, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन माइनस वन डी सबसेल एंड एनएस, मतलब पेनुल्टिमेट एंड आउटर मोस्ट सेल का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एड करना है, ठीक है। मैं ये भी आपको बोल सकता हूं, मतलब देखो आप ये सोच सकते हो सर एनएस में तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, जनरली 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन माइनस वन डी, ये कभी भी मत करना है, ठीक है। कोई जगह आपको कोई नोट्स में या कुछ बुक्स में मिल सकता है ऐसा, लेकिन उसको कभी भी मत फॉलो करना, क्योंकि जब एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है क्रोमियम का, ठीक है, कॉपर का, ठीक है, उस टाइम क्या करोगे भाई, यहाँ पे तो 1+5 होगा, 2+5 कर दोगे तो गलत हो जाएगा भाई, इसीलिए आपको क्या करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन माइनस वन डी सबसेल एंड इन एनएस, ठीक है, ये दोनों को ऐड करना है, समझ में आ गया। सर एग्जांपल दीजिए, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, एग्जांपल देते हैं। एस एंड पी ब्लॉक का एग्जांपल दिया तो डी ब्लॉक का भी एग्जांपल देते हैं। किसको पकड़ते हैं भाई, आयरन को ही पकड़ते हैं, ठीक है, काम का चीज है, 26 आयरन का 26 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ठीक है। पहले लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द डी सबसेल, तो ये डी ब्लॉक को प्रेजेंट कर रहा है, मतलब डी ब्लॉक में प्रेजेंट है, सॉरी डी ब्लॉक में प्रेजेंट है। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 4 है, तो ये पीरियड कितना है इसका, 4
फोर्थ पीरियड, डी ब्लॉक फोर्थ पीरियड, और फाइंड आउट करना है कौन सा ग्रुप में प्रेजेंट है। ठीक है सर, कौन सा ग्रुप में प्रेजेंट है कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैंने बोला एनएस इलेक्ट्रॉन प्लस एन माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन, तो टू प्लस सिक्स एट्थ पीरियड। ठीक है तो हमारा आयरन एट्थ पीरियड डी ब्लॉक एंड सॉरी एट्थ ग्रुप डी ब्लॉक एंड फोर्थ पीरियड में प्रेजेंट है। देन लास्ट वन, एफ ब्लॉक का जो सारे एलिमेंट है ना वो थर्ड ग्रुप में ही प्रेजेंट है। ठीक है वहां पे हमारा मतलब प्लेस नहीं हुआ उनके लिए 14 एलिमेंट के लिए, इसीलिए उसको अलग से उठाकर हम एक ब्लॉक बना दिए। लेकिन ये सारे एलिमेंट कौन सा ग्रुप में प्रेजेंट है? थर्ड ग्रुप में। तो अगर एफ ब्लॉक का कोई एलिमेंट एफ ब्लॉक का प्रेजेंट है उसमें पूछ रहा है ये कौन सा ग्रुप में, तो फिर तो क्या है भाई, आसान है, ये तो थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट है। ठीक है कंफ्यूज होने का नहीं। कुछ और मेथड देख लेते हैं। देखो लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड ग्रुप नंबर थ्री एंड ब्लॉक ए ब्लॉक। ठीक है लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड का जितना एलिमेंट है ग्रुप कितना है? ग्रुप देखो लैंथेनाइड का जितना एलिमेंट है ये सिक्स्थ पीरियड में है, एंड एक्टिनाइड का जितना एलिमेंट है वो सेवेंथ पीरियड में है। ग्रुप नंबर सबका थ्री है, ब्लॉक सबका एफ ब्लॉक है। ठीक है देन देखो यहां पर अगर एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 103 आएगा, एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 103, देन क्या करना है आपको? एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 103 जब रहेगा क्या करना है? उसको डिवाइड कर देना 100, मतलब उससे 100 माइनस कर लेना। ठीक है मान लो एटॉमिक नंबर आपको दिया गया 114, इससे 100 माइनस कर लेना। 103 के अबव जितना एटॉमिक नंबर आएगा मतलब 104 से 118 तक, ठीक है सबसे अगर दिया होगा तो उसमें से आप 10 माइनस कर लेना। ठीक है जितना आएगा वही है ग्रुप नंबर। ठीक है तो देखो ये है 14th ग्रुप, ठीक है मान लो 104 उसमें 100 माइनस कर लो, ये है फोर्थ ग्रुप। ठीक है ऐसा ही आएगा। अच्छा ठीक है एंड ग्रुप नंबर इक्वल्स टू, और भी एक मेथड है 18 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल के। ठीक है तो ये तीन मेथड है, तो बेस्ट मेथड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मेथड। ठीक है एंड नेक्स्ट वन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में ना हो जाएगा। ठीक है एंड अगर क्वेश्चन और आ सकता है तो ये 103 से ग्रेटर आएगा। ठीक है उसमें ग्रुप पूछेगा। कभी एक नीट में आया था, दिया था क्वेश्चन 114 है, एक एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 114, तो एलिमेंट बिलोंग्स टू कुछ था कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली एंड कुछ हैलोजन फैमिली। ठीक है ये चार ऑप्शन था, कौन सा फैमिली को ये प्रेजेंट कर रहा है, मतलब कौन सा ग्रुप को प्रेजेंट कर रहा है ये, क्योंकि कार्बन कितना है 14th ग्रुप, ये 15th ग्रुप, ये 16th ग्रुप, ये 17th ग्रुप, सही है या नहीं है? हाँ जी सर सही है। तो फिर कार्बन फैमिली में ठीक है देखते हैं 1014, मैंने बोला एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 103 तो होगा, तो उसको क्या करना, उसमें से जितना गिवन है उसमें से 100 माइनस कर लेना। तो 114 दिया है उसमें से 100 माइनस करो कितना आएगा 14 आएगा, तो 14th ग्रुप क्या है हमारा? कार्बन फैमिली। 14th ग्रुप हमारा कार्बन फैमिली। ठीक है समझ में आएगा, तो दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू कार्बन फैमिली, ये नीट में क्वेश्चन आया था। देखो कितना इजी है, ये फॉर्मूला मिल गया, अरे बाबा इतना इजी है। हाँ जी सर, तो आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास पे हम डिस्कशन करेंगे पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज को, शील्डिंग इफेक्ट के बारे में, ठीक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, मेटालिक नेचर, ये सब धीरे धीरे शुरू होगा। ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे शील्डिंग इफेक्ट से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।